नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली कक्षा के अंदर जो है तापीय प्रतिलोमन के बारे में अध्ययन किया था और ये जाना था कि भाई ताप जो है तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार से होता है, लंबवत वितरण किस प्रकार से होता है। आज हम जो तापमान का क्षैतिज वितरण यानी प्रादेशिक जो वितरण है तापमान का, वायुमंडलीय तापमान का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि भाई अलग अलग इस आधार पर हम कैसे प्रदेशों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा भाई समताप रेखाएँ या आइसोथर्म्स किसे कहते हैं। आइसोथर्म्स होती है जो लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर, यानी समान ताप की रेखाओं को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम समताप रेखा कहते हैं। ग्लोब पर अगर हम पूरे विश्व का जो समतापीय रेखाओं का जो वितरण देखें तो हमें ये पता चलेगा कि वह पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो ट्रेंडिंग लाइन्स होती है वो वैसे देखने को मिलती है, उत्तर दक्षिण के रूप में नहीं दिखाई। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है हमें इस तरह से रेखाएं दिखाई देगी, जैसे हमारी अक्षांशीय रेखाएँ हैं उसके समांतर लगभग। तो इसे हम इसके आधार पर जो है आइसोथर्म के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं जो प्रादेशिक जो वितरण है तापमान का। अच्छा, एक और बात जिसमें अगर हम देखें जो आइसोथर्म है समताप रेखाएं, उसमें ताप प्रवणता का भी पता चलता है। ताप प्रवणता मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी तापमान का घटना या बढ़ना एक निश्चित क्रम के अंदर, उसे हम ताप प्रवणता कहते हैं। तो अगर ये रेखाएँ पास पास है इसका मतलब ताप प्रवणता अधिक है, और अगर ये रेखाएँ सापेक्षिक जो है एक दूसरे के दूर दूर हैं तो ताप प्रवणता कम होगी, मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है या तेज़ी से कम हो रहा है या तेज़ी से बढ़ रहा है या तेज़ी से घट रहा है, तो ये हम इससे पता लगा सकते हैं। तो ये ताप प्रवणता का हमें पता चलता है समताप रेखाओं से। तो इन समताप रेखाओं का जो वितरण है उसके आधार पर अगर हम प्रादेशिक वितरण करें टेम्परेचर रीजन्स, तो तापीय प्रदेश हैं उनको अगर हम देखना चाहें तो कैसे, इसका हमने वर्गीकरण किया है अगले बिंदुवार, इसको हमने 7 भागों में विभाजित किया है। पहला जो है वह है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, सॉरी विषुवत रेखीय प्रदेश या इक्वेटोरियल रीजन। इसका विस्तार 5 डिग्री दक्षिण से 5 डिग्री उत्तर के बीच होता है, जो 5 डिग्री उत्तर की जो अक्षांशी रेखाएं और 5 डिग्री दक्षिण की जो अक्षांशी रेखाएं उसके बीच के क्षेत्र को हम उस विषुवत रेखीय प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर जो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर, डायवर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं दैनिक तापांतर यहाँ पर सबसे कम पाया जाता है विषुवत रेखीय प्रदेश में। मतलब दिन में तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना या अत्यधिक गिरना, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। औसत जो है इसमें तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही बना रहता है, और दिन और रात की जो, चूँकि इसकी जो लंबाई है दिन की और रात की वह समान होती है, तो 12 घंटे का ही दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य की रेखा जो है वर्टिकल लंबवत रूप से पड़ती है इन अक्षांशी रेखाओं के बीच में पूरे साल भर। तो यहाँ तापमान जो है इसमें तापांतर का जो है वो कम रहता है। दूसरे, ये क्षेत्र जो है अधिकांश समुद्री भागों के पास में है, अगर जहाँ तापमान अधिक रहेगा तो ये क्या होता है, इसमें वाष्पीकरण के कारण बादलों से ढका रहता है और वर्षा भी यहाँ अत्यधिक होती है। हमारे जितने भी वृष्टिवन है वो इस क्षेत्र के अंदर ही पाए जाते हैं। दूसरा जो तापीय प्रदेश है वह है इंटरट्रॉपिकल रीजन, इंटरट्रॉपिकल मतलब अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। इसका विस्तार 5 डिग्री तथा 12 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। यद्यपि यहाँ पर तापमान वर्ष भर ऊँचा रहता है तथापि ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के बीच अंतर स्पष्ट हो उठता है। यद्यपि सागरीय भागों पर तापमान का ऋतुवत परिवर्तन अधिक नहीं हो पाता है, परंतु महाद्वीपों पर ग्रीष्मकाल का अधिक गर्म तथा शीत ऋतु जो है वो ठंडी हो जाती है। मतलब यहाँ जो दैनिक तापांतर है वो उष्ण विषुवत रेखीय प्रदेश की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है, और जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वह 21 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के बीच यहाँ रहता है।
तो ये जो है अपने जाना कि अंतरउष्ण कटिबंधीय प्रदेश किसे कहते हैं और यहाँ तापमान किस प्रकार से इसका वितरण पाया जाता है। तीसरा जो है वह है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ट्रॉपिकल रीजन। यह 12 डिग्री से 25 डिग्री, जहाँ हमारा अधिकांश जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो भारत का प्रायद्वीप पठारी का जो हिस्सा है, वो अधिकांश जो है इस उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। 12 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश उत्तर में भी और दक्षिण में भी। तो भारत तो सिर्फ उत्तर में है, ये दक्षिण का जो भाग है वो भी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में होता है। अब देखो, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है हर साल, साल में एक बार उत्तरायण होगा और एक बार दक्षिणायन होगा। तो जब उत्तरायण होगा तो यहाँ तापमान अधिक होगा, और दक्षिणायन होगा तब उत्तरायण होगा तब उत्तरी ध्रुव के अंदर तापमान अधिक होगा, और दक्षिणायन होगा तो दक्षिण ध्रुव के अंदर तापमान अधिक होगा। इसको समर सोलस्टाइस और विंटर सोलस्टाइस के नाम से भी जानते हैं। तो विंटर सोलस्टाइस मतलब उत्तरी भाग के अंदर, जब मान लो सूर्य जो है दक्षिण में गया हुआ है, तो उत्तरी भाग में जो है उस विंटर सोलस्टिस की चपेट में आ जाएगा और यहाँ पर शीत ऋतु का आगमन हो जाएगा। यहाँ दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये अधिकांश जो ये भाग है इस पर महाद्वीपीय प्रदेश मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है मोस्टली ये। और एवरेज जो समर का एवरेज टेम्परेचर है वो 32 डिग्री, और विंटर का एवरेज टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके पश्चात आता है उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश या सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक से जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर, मतलब 25 डिग्री से 45 डिग्री क्षेत्र जो है वो इसके अंदर अंतर्गत आता है। यहाँ सूर्य की रेखाएं सापेक्षिक रूप से अधिक तिरछी हो जाती है, इसलिए तापमान गिरना शुरू हो जाता है, और 21 डिग्री सेंटीग्रेड इसका औसत यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके पश्चात आते हैं शीतोष्ण प्रदेश, टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन जो है वो 45 डिग्री से लेकर 66 डिग्री के अक्षांश के बीच में दोनों ध्रुवों में, दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 45 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार है। यहाँ सूर्य की किरणें सापेक्षिक रूप से और अधिक तिरछी हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर जो है कभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं आ पाता है। एवरेज औसत हो सकता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए, लेकिन औसत जो तापमान की बात कर रहा हूँ, और ये तापमान जो है एक औसत मतलब पूरे ग्लोब को अगर हम देखें तब प्रादेशिक जो लोकल वेरिएशंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है कहीं तापमान 20 डिग्री 24 डिग्री तक पहुँच जाए, लेकिन औसत अगर हम पूरे ग्लोब का देखें तो वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से के आसपास रहता है। इसके पश्चात आता है टुंड्रा रीजन। टुंड्रा प्रदेश जो है 66 डिग्री से ध्रुव जहाँ तक आते हैं उसके बीच में, बीच के भाग को हम टुंड्रा रीजन बोलते हैं। टुंड्रा वहाँ पर एक वनस्पति है, इसके नाम से हमने इसमें रखा है। इसका नाम टुंड्रा जो है वनस्पति इस प्रकार की है कि शीत ऋतु आएगा तब ये हिमाच्छादित हो जाता है और वनस्पति जो है विरल हो जाती है। हमारे साइबेरिया जो पक्षी है वो भी इसी कारण से माइग्रेट कर जाते हैं वहाँ से। और जब वहाँ ग्रीष्म ऋतु आता है तब क्या होता है, आइस की मेल्टिंग होती है और वहाँ फिर से वनस्पति देखने को मिलती है। तो ये वनस्पति के आधार पर इसका नाम रखा गया है, हालांकि हम तापमान को आधार मानते हैं इन प्रदेशों में वितरण कर रहे हैं। तो यह 66.5 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव तक या दक्षिणी ध्रुव तक के बीच का जो हिस्सा है उसको हम टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत मानते हैं। यहाँ औसत तापमान सदैव 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा। और उसके बाद में आते हैं ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश का नाम लेते ही आपके जहन में, दिमाग में जो है हिम आच्छादित प्रदेशों का एक चित्र बनता होगा। अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्र जो इसमें अंतर्गत आते हैं, और यहाँ औसत तापमान हमेशा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रहता है, चाहे उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन हो सूर्य का। ठीक है, तो ये हमने प्रदेश का प्रादेशिक वितरण देखा तापमान का। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखिए, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने से आपको अधिक चीज़ें जो है समझ में आएगी। जब हम वार्तालाप करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा तो आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट जगेगा। तो ये प्रश्न पूछने की जो जिज्ञासा है हमेशा अपनी ज्वलंत रखिए। धन्यवाद।